अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हम बना रहे हैं शिमला मिर्च, आलू और गोश्त। ये इतने मज़े का बनता है, आप लोग एक दफ़ा ट्राई करिएगा ना, आप लोगों का फेवरेट हो जाएगा। और जब भी मेहमान आएंगे इंशाल्लाह ताला यही बनाएंगे, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। अच्छा, हमें सबसे पहले चाहिए 4 टमाटर, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें 3 प्याज मीडियम साइज़ के। फिर उसके बाद हम नमक मिर्च मसालों पर आते हैं। हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून हमने ली है लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 टीस्पून हमने भर के लिया है हल्दी का, और ये हमने गोश्त लिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें चाहिए फ़र्स्ट स्टेप में। ये हमारा अभी फ़र्स्ट स्टेप है, आगे आगे मैं आप लोगों को 7 स्टेप बताती रहूँगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगी कि रेसिपी लिख दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हम लोगों ने गोश्त को, प्याज को और टमाटर को काट के अंदर प्रेशर कुकर के डाल दिए। उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मोटा मोटा प्याज काटा है, मोटा मोटा टमाटर काटा है, अंदर गोश्त ऐड किया और ये सारे स्पाइसेस के अंदर ऐड कर दिए। 2 ग्लास हम भर भर के पानी के इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको सीटी लगा देंगे 9 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए जी, हमने सारी स्पाइसेस के अंदर ऐड कर दी हैं। अब 9 मिनट के लिए सीटी लगा दें। गोश्त छोटा होता है, कोई बड़ा गोश्त होता है, मतलब कोई छोटा बकरा होता है, कोई बड़ा बकरा होता है, उस हिसाब से ना आप लोगों ने लगा देना है। अम्मी से पूछ लीजिएगा, या 9 से 10 मिनट बहुत होता है, ठीक है। फ्रीज़र से निकला हो तो 1 मिनट ज़्यादा लगता है, ताज़ा हो तो 2-3 मिनट कम लगते हैं। 8 से 9 मिनट कुकर को सीटी लग गई। उसके बाद हम लोगों ने कुकर से इसको शिफ्ट कर लेना है किसी बर्तन के अंदर। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ये सालन बनाने के लिए बड़े मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करना है, छोटे मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह बढ़िया आप लोगों को लंबी कढ़ाई नज़र आ रही है ना, इस तरह की आप लोगों ने कोई इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर खुला खुला आराम से डोई फिर जाए, ठीक है। छोटे मुँह वाला बर्तन करेंगे वो ना बिल्कुल पप्पा टाइप सा सालन बन जाएगा और उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। पहले आँखें खाती हैं और फिर दिल खाता है और फिर मुँह खाता है, इसलिए हम लोगों ने शक्ल पे बहुत फोकस करना है सालन के। अब हमारा आता है यहाँ पे सेकंड स्टेप। हम लोगों ने लेना है 2 इंच का बड़ा अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्चें। इसके अंदर हम लोगों ने लहसुन नहीं डालना, अदरक हम लोगों ने इसके अंदर ज़्यादा डालना है। इसको अब हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। अब हम इसको पीस लेंगे, कूट लेंगे, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, जिस तरह आप लोग का दिल करता है। ये मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अदरक इसमें एक्स्ट्रा डलता है सालन में, ठीक है, लहसुन इसमें नहीं डलता। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब कुकर से निकाला था उसके अंदर थोड़ा सा पानी था, हमने उसको खुश कर लिया था। अब आप लोग देखिए, इस पॉइंट पे जब इतना सा रसमिसा सा मसाला रह जाएगा, इस पॉइंट में हम लोगों ने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है। बिल्कुल पानी में ऑयल शामिल नहीं करना, जब पानी होगा उसको ड्राई कर लेना है, और बहुत ड्राई करके भी ऑयल शामिल नहीं करना। उससे क्या होता है, मसाला बहुत कम बनता है और फिर घर वालों को पूरा नहीं आता और फिर बोटियों साधना लगा रह जाता है आसान लफ्जों में, ठीक है। हमने ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर अदरक और मिर्चों का इसके अंदर हमने पेस्ट शामिल कर देना है। ऑयल हमने इसके अंदर इसलिए ज़्यादा रखा है, आगे इसके अंदर आलू और शिमला मिर्च डालेंगे, वो ऑयल को ना थोड़ा सा चूस लेंगे, जिसकी वजह से सालन ड्राई होने से बच जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल होगा तो, ठीक है। कुछ नहीं होता, नहीं कुछ कहता तेल अगर ज़्यादा लगेगा एंड पे निकाल लीजिएगा, एंड पे आप लोग देखिएगा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट किस्म का बन जाएगा। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एडिशनल स्टेप करती हूँ। 1/2 टीस्पून जो है ना कढ़ाई गोश्त मसाले का इसके अंदर ऐड करती हूँ, या आप लोग ने ऑप्शनल है डालना है डाल लीजिएगा, टेस्ट इससे और अच्छा हो जाता है। नहीं डालना तो भी ठीक है, डाल लीजिएगा, टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हम लोगों को 3 आलू चाहिए, 1 शिमला मिर्च चाहिए बड़ी और 1 प्याज चाहिए। हम लोगों ने आलू को छील के गोल गोल चिप्स की फॉर्म में काट लेना है, गोल गोल वाले। शिमला मिर्च के बीच निकाल के इसको छोटा छोटा काट लेना है। प्याज को हमने क्यूब फॉर्म में काट लेना है, जिससे ऑमलेट के लिए काटते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आलू छील के वो गोल गोल काटूँगी और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने आलू छील के गोल गोल काट लिए और अगली में मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊँ। तो ये देखिए, फ्राई भी मैंने कर लिया, बहुत ब्राउन नहीं करने हैं, लेकिन इसको हमने फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई। और शिमला मिर्च भी हमने काट ली है, प्याज भी हमने काट लिया है क्यूब फॉर्म में। और दूसरी तरफ मटन की अच्छी तरह भुनाई हो रही है, 25 से 30 मिनट हम लोगों ने मटन की अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये देखें, ये हमने इधर अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। ये हम लोगों ने आलू ऐड करके इसको हिला दिया, हल्के हाथों से हिलाना है क्योंकि आलू पके हुए हैं, जो फ्राई करेंगे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत हल्के हल्के हाथों से। इसके बाद शिमला मिर्च और प्याज शामिल कर देंगे, इसको भी हल्के हाथों से उठाएंगे। इसीलिए बड़े मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल किया था, जब हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे ना, इनकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी, मतलब हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही होगी। हमने हल्के हल्के हाथों के साथ इसको एक दफ़ा हिला देना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ दम दे देना है।
और जब दम उठेगा, ये देखें जी अब हम दम उठाने लगे हैं, ये हमारा सालन तैयार है। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा, आप लोग लाजमी बनाइएगा, आप लोग को टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं, हरा धनिया डाल दिया इसके ऊपर ताकि डिश मज़ीद प्रेजेंटेबल हो जाए, और थोड़ा सा और डाल देते हैं, अदरक होगा उसको बारीक बारीक काट के वो डाल दीजिएगा, वो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने हरी मिर्चों को बारीक बारीक लंबा लंबा काट के वो इसके ऊपर इस टाइम स्प्रिंकल कर दिया था। ठीक है जी, उम्मीद है जी आज की रेसिपी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, बनाइएगा, मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, मैं आप लोगों के फ़ीडबैक इंतज़ार करूँगी। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।